आपको बताऊंगा बाइक में जो चेन सेट आवाज करने लग जाता है उसको किस प्रकार से आपको सही करना, कैसे चेंज करना है। पहले आपको दिखाते हैं चेन सेट की आवाज कैसी आवाज होती है। दोस्तों चेन सेट की कुछ इस प्रकार की आवाज होती है। अब जो हमारा चेन सेट है दोस्तों ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब हमें करना है इसको चेंज। चेंज करने के लिए हमें क्या क्या चीज खोलनी पड़ेगी, कैसा चेन सेट आता है, किस प्रकार का आता है, आज हम आपको पूरी नॉलेज इस वीडियो में देने वाले हैं। चेन सेट चेंज करने से पहले सबसे पहले आपको इस पॉकेट टापा खोलना पड़ेगा आगे वाला, उसमें दो नट होते हैं। उसके बाद में आपको चैन कवर खोलना, चैन कवर में दोस्तों चार नट होते हैं। चैन कवर को खोलने के बाद में आपको इस पॉकेट गरारी के आगे दो नट रहते हैं, उन नटों को खोल लेना है। नट खोल लो आप, चैन लॉक निकाल लो, कुछ भी कर लो। आगे की गरारी में सिर्फ ये दो ही नट लगे होते हैं। दोनों नटों को खोलने के बाद में पत्ती हल्की घुमाओ, घुमा के पत्ती निकल जाएगी। अब उसके बाद में निकालना चैन का लॉक। चैन का लॉक आपको कुछ इस प्रकार से निकालना है। हल्का सा चैन का लॉक में प्लास लगाया, भींचा और प्लास को घुमा दिया, हल्का से इशारे से चैन का लॉक हमारा बाहर आ जाएगा। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं चैन सेट आपको किस प्रकार से चेंज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। चैन निकालने के बाद में अब आपको निकालनी है स्पॉकेट गरारी। स्पॉकेट गरारी निकालिए, अब खोलते हैं बड़ा चक्का को, मेन चक्का हमें कैसे निकालना है। सबसे पहले हमें पहिया का नीचे का नट खोलना पड़ेगा, जिसके लिए हमें 14-15 का पाने की जरूरत पड़ी है। बहुत सी बाइकों में 13 नंबर भी नट लगा रहता है, बड़ी इसमें नट चेंज है, तो 14 नंबर नट है। पहले इस नट को खोल लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं दूसरा कौन सा नट खोलना है आपको। ये नट खोल के पत्ती अलग हो गई है, अब खोलना है आपको मैन एक्सल। जो बाइक में बड़ा एक्सल है पीछे वो खोलना है। एक्सल को खोलने के बाद में फिर हम आपको आगे दिखाएंगे क्या करना है। एक्सल हमने खोल लिया है, खोलने के बाद में एक्सल आपको निकालना है बाहर। पहले आपको एक्सल बाहर निकाल लेना है, एक्सल हल्के से पकड़ में आपका बाहर निकल जाएगा। अब निकाल लेते हैं पहिए को बाहर में। पहिया बाहर निकलने के बाद में पहिए में सबसे पहले आपको कपलिंग रबड़ बिठानी है, जिस साइड से कपलिंग रबड़ रखती है ऐसे रिम रखनी है आपको। अब चक्का खोलना है, चक्का खोलने के बाद में कपलिंग रबड़ों के ऊपर बिठाना है, फिर हम आपको दिखाएंगे चक्का किस प्रकार से आपको खोलना है। इसमें से चक्का का मैन नट खोल लिया है, जो 23 नंबर नट होता है दोस्तों, वो नट खोलने के बाद में चक्का बाहर आ जाएगा। अब हमें कपलिंग रबड़ों में चक्का को बिठाना है नीचे रिम में, और हत्थी की मदद से जो ये नट है लूज करना है। हल्की हल्की हत्थी से दोस्तों ये नट खुल जाएंगे, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है इन नटों में। और दोस्तों बाइक से रिलेटेड हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अभी हम आपको बताएंगे आगे किस प्रकार से हमें फिट किया, कैसे फिट किया, पूरी नॉलेज देने वाले हैं आपको इसी वीडियो में, बने रहे वीडियो में। पहले इन नटों को खोल लेते हैं। हमने तीन नट खोल लिया, तीन नट खोलने के बाद में हम चक्का निकालने की कोशिश करेंगे, नहीं निकलेगा कि जब तक चारों नट नहीं खुलेंगे चक्का हमारा नहीं निकलेगा बाहर। अब खोलते हैं चौथा नट को, चौथा नट खोल लिया, चक्का निकाल दिया बाहर। अब दिखाते हैं हमें कौन सा चैन सेट इसमें डाल रहे हैं। दोस्तों ये हमारा चैन सेट है जो हम डाल रहे हैं, इसमें हीरो का चैन सेट है। 715 रुपये की लिस्ट है इसमें। बाकी दिखाते हैं इसमें क्या क्या आता है चैन में, चैन का पूरा सेट है क्या क्या चीज़ सेट में आती है। एक तो दोस्तों सेट में जो आता है बड़ा चक्का आता है पीछे वाला, दूसरी स्पॉकेट गरारी आती है छोटी वाली, और चैन आती है। तीन चीज़ आती है जिनसे बोलते हैं चैन सेट। अब करते हैं इसको फिट, फिट करना आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आपको फिट करना है। सबसे पहले हम बड़ा चक्का लगाते हैं। बड़ा चक्का को आप इस प्रकार से लगाओगे तो सीधा है, बड़ा अगर ऐसे लगाओगे तो चक्का हो गया उल्टा, उल्टा चक्का दिक्कत करेगा, नहीं तो नटों में बैठ रहा है सही नहीं। वैसे अब हमें लगाना सूधा, सूधा चक्का कुछ इस प्रकार से है, जो नंबर है चक्का के ऊपर ऊपर की साइड आने चाहिए। अब लगा लेते हैं चारों नटों को। नट आपको उसी प्रकार से टाइट करना है जैसे मैंने आपको खोलती हुए बताया था कि आपको हल्के से इशारे से हत्थी से आप नट खोल सकते हैं। नट टाइट हो गए, अब उसके बाद में अब लगा लेते हैं पहले स्पॉकेट गरारी। स्पॉकेट गरारी लगाने के बाद में हमें लगानी पत्ती जो स्पॉकेट गरारी को रोकेगी, वो वाली पत्ती लगाने के बाद में नट लगाने हैं दो इसमें।
जो हमने दो नट खोले थे वो दो नट लगाने। और दोस्तों हमने अपने हिसाब से सफाई की है, आप अपने हिसाब से सफाई कर सकते हैं। इस पॉकेट की जगह आपने देखा होगा काफ़ी कचरा मिलता है, काफ़ी गंद मिलती है। हमने तो ये पेट्रोल से क्लीन करा है, बट आप प्रेशर से भी इसको क्लीन कर सकते हो, पानी वाश करके भी, बाइक को धुलाई करके भी आप इसको क्लीन कर सकते हो। गरारी में, इस पॉकेट गरारी में हल्की सी चाल रहती है दोस्तों। अब बिठाते हैं चक्का को। चक्का बिठाने के लिए हमें 23 नंबर नट कसना पड़ेगा चिड़िया को लगा कर, जिसमें चैन टाइट के लिए डिबरी रहती है वो पत्ती लगा लेनी पहले, उससे चिड़िया बोलते। अब उसके बाद मैन एक्सल का नट कसना है, जो हमारा 23 नंबर एक्सल है, हाफ एक्सल बोलते हैं इससे, इसका नट कसना है। इसका नट दोस्तों आपको पूरा नहीं कसना है, नॉर्मल हल्के से हाथ से कसना है, इसमें कोई पूरी जान नहीं लगानी है। अब लगानी है हमें नई चैन। नई चैन लगाने के लिए सबसे पहले हमें चैन का लॉक निकालना पड़ेगा। पहले हम लॉक को निकाल लेते हैं। लॉक को आप प्लास से आप पकड़ो, जिस साइड में लॉक में खांचा कटा हुआ दिख रहा है उस साइड से, और हल्के से इशारे से घुमा दो, लॉक निकल जाएगी। बट नई चैन में थोड़ा लॉक टाइट निकलता है, पुरानी चैन में हल्के से इशारे से निकल जाता है दोस्तों। चैन लॉक की जो पत्ती है थोड़ी टाइट निकलती है दोस्तों, और नई चैन में अक्सर करके ये टाइट निकलती है। पहले इस पत्ती को निकाल लेते हैं, चैन लॉक की को। चैन लॉक की पत्ती निकालने के बाद में चैन लॉक निकल गए। अब दिखाते हैं हम चैन आपको किस प्रकार से फिट करनी है। पहले चैन को लेते हैं बाइक के पास में, चैन पहले चढ़ानी है पीछे के चक्के में, उसके बाद आपको आगे गरारी पर चढ़ानी है, जो आगे की गरारी है। जो लॉक है, लॉक हमने चैन में से निकाला ना है, लॉक चैन में ही लगा हुआ है। लॉक की सिर्फ पत्ती निकालिए, पत्ती को आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आपको पत्ती बिठानी है। ये पत्ती बैठ गई, अब ये दूसरी पत्ती बिठानी चैन के ऊपर वाली। हल्की सी प्लास से आप दबाओ, इससे बैठ जाएगी, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, कोई ज़्यादा जोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको पहले कपलिंग रबड़ देख लेनी है सही से बैठी है या नहीं, उसके बाद में पहिया बिठाते वक्त आपको पहले ड्रम प्लेट बिठानी है, लेदर वाली प्लेट। अब पहिया को बिठाना है, पहिया बिठाने के बाद में आपको हल्का सा एक्सल ठोकना है। हल्का सा एक्सल ठोकने के बाद आपको भोगली लगानी है, इस साइड में जो भोगली होती है पहिया में, ड्रम साइड में जो भोगली होती है, जिस साइड में लेदर होते हैं, भोगली लगानी। भोगली को आपको हाथ से हल्की सी पकड़ लेनी है। अब उसके बाद में नीचे का नट कसना है सबसे पहले आपको, ऊपर का नट आपको बाद में कसना, पहले नीचे का नट कसना है। 15 नंबर नट को कस लो, उसके बाद आपको ऊपर का नट कसना है 19 नंबर नट। 19 नंबर नट आपको पूरा नहीं कसना, हम आपको बताएंगे अभी क्यों नहीं कसना है आपको पूरा। पहले 19 नंबर नट कस लिया हमने। 19 नंबर नट कसने के बाद में अब हमें करनी चैन सेट, कि हमें चैन सेट डाला है तो चैन लूज होगी, या तो लूज होगी या टाइट होगी, पहले हमें चैन सेट करनी है पूरी। हल्का नट, दोनों नट हमें ढीला छोड़ा था पहले, मैंने आपको बताया था बड़ा नट भी आपको लूज छोड़ना है, तो बड़ा नट हमने इसलिए लूज छुड़वाया था कि हमें चैन टाइट करनी है। ये आपको निशान नज़र आ रहे हैं, दोनों साइड में इसी प्रकार के निशान है, आपको दोनों साइड में एक ही निशान पर करनी है, एक ही साइड में करनी है, जिस साइड में इस पर है जितना निशान पर इतना ही उस निशान पर करनी है। फिर आपको टायर घुमा के देख लेना है कि चैन कहीं से लूज टाइट तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारी चैन बिल्कुल सही है दोस्तों। आप कस सकते हैं बड़ा नट, जो बड़ा एक्सल का नट हमने लूज छोड़ा था उसको, ये नट कस लिया। अब उसके बाद आपको कसना है जो 17 नंबर नट है, वो नट 17 नंबर नट कसना है। अब आपको 19 नंबर नट है उस साइड से, अगली साइड से 17 नंबर है, ये नट हमने कस लिया। ये नट कसने के बाद में पीछे से चिड़िया कस दिए। अब लगाना है इस पॉकेट टापा। इस पॉकेट टापे में दोस्तों दो नट होते हैं, और इन नटों में भी आपको कसते वक्त ध्यान रखना है कि ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। नट एल्युमिनियम में कसते हैं, एल्युमिनियम का नट दोस्तों बहुत जल्दी स्लिप होते हैं, बहुत जल्दी दिक्कत होती है। अब पहले आपको नीचे का चैन कवर बिठाना है, नीचे का चैन कवर में दोनों नट लगाने हैं, उसके बाद आपको ऊपर वाला चैन कवर बिठाना है। और दोस्तों बाइक से रिलेटेड हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय बताना दोस्तों। बाकी इससे अच्छी अच्छी बाइक से रिलेटेड हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी, हमारे चैनल पे सिर्फ बाइक से रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगी, बाकी और कोई वीडियो हमारे चैनल पे नहीं मिलने वाली है। चैन कवर का नट को आपको कस लेना है प्रॉपर,
आपको नट चारों नट तभी टाइट करने हैं जब आप चैन कवर बिठा लो दोनों दोनों चैन कवर बिठाने के बाद में आपको चारों नट टाइट करने हैं। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।